हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आज हम यहाँ पे इस सीरीज का डे नंबर 6 करेंगे, जिसमें हम लोग आपको यहाँ पे 50 फन डेज गारंटीड क्वेश्चंस करा रहे हैं, और मैं आपको डेली यहाँ पर 5 क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है अगर 15 वन डेज तक अगर हम 5 क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे पास 255 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और यहाँ से ही आपका क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में मात्र आपके पास 60 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखिए, मैं तो आपको यहाँ पे 255 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, हर लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे कर ही रहे हैं। तो चलिए फिर अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने लिखा है द प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ टू डायमेंशनल लैटिस आर। ए आपको दिया गया है, बी आपके पास है। तो द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज, तो आपको बताना है कि यहाँ पर ए और बी ये हमारे पास है, तो इसके लिए आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होंगे, ये आपको यहाँ पर अब बताना है। ठीक है, तो बेहद ही सिंपल है क्वेश्चन। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो आप देखिए कैसे करके होगा ये। तो यहां पे सबसे पहले तो आपको पता है कि जो हमारा A1 होता है, इसको अगर मैं A1 बोलूं, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास A1 हो जाएगा, और इस A1 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हो जाएगी 2π, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे B क्रॉस C डिवाइडेड बाई A डॉट, ये होगा B क्रॉस C। तो ये आपके पास एक हो गया। फिर इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे A2 लिखेंगे तो A2 की वैल्यू होगी 2π, और ये हो जाएगा C क्रॉस A, और आप इसको लिखेंगे B डॉट, और ये होगा C क्रॉस A। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस चीज को करा है। अब क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या है, तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके आपको एक कवर आपको ये चीज यहाँ पे रखनी है, और इसका ऑप्शंस हमारे पास कितना हो जाएगा B। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो ये हमने निकाला, तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2i प्लस का j, B की वैल्यू कितनी है 2j। तो अब अगर आप यहाँ पे B क्रॉस C निकालते हैं तो हम यहाँ पे C को मान लेते हैं आपका सी के। तो अगर आप यहां से B क्रॉस C निकालते हैं तो ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा J, ये हो जाएगा K। तो यहां से अगर हम B की वैल्यू देखें तो 0 2 0, ये हो जाएगा अगर हमारे पास C की वैल्यू 0 0 C। बस अब आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, इसको आप निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर B आ जाएगा, है ना। आपको आगे करके खुद से देखना है। अब क्वेश्चन है दी प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ एफ सी सी सेंट, यानी कि एफ सी सी लैटिस आर। यहाँ पे आपको एफ सी सी लैटिस दे रखे हैं। तो द वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल ऑफ एफ सी सी रेसिप्रोकल लैटिस इज, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एफ सी सी के रेसिप्रोकल लैटिस वैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, तो जो हमारे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होंगे वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 2π/a, ये होगा i प्लस j और माइनस का k। फिर ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 2π/a माइनस का j प्लस का k और प्लस का k। ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 2π/a आई माइनस का जे और प्लस का के। अब अगर आपको यहां पर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, और जब आप इसको सॉल्व करके लेके आओगे तो 4, ये हो जाएगा 2π a का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा इसका ए। अब दोस्तों, आपको यहां पे मैं एक अपडेट देना चाहता हूं। तो हम इस अवसर, यानी कि आपको सब पहली बात तो आप सबको यहाँ पे हैप्पी रक्षाबंधन। तो इस रक्षाबंधन पे हम आपके लिए यहाँ पे एक गिफ्ट लेके आए हैं, भाई बहन को, बहन भाई को यहाँ पे ये गिफ्ट दे सकता है। गिफ्ट किस चीज का, पावर ऑफ नॉलेज का, है ना। ये कैसा रहेगा कि आप एक दूसरे को यहाँ पे पावर ऑफ नॉलेज का गिफ्ट दीजिए। ठीक है, और ये गिफ्ट आपके लिए बहुत ही किफायती दामों पे है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पे एमएससी एंट्रेंस, अगर आप एमएससी एंट्रेंस का रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा यहाँ पे 2999, यानी कि 3,000 रुपये में। वहीं पर अगर आप इसका लाइव लेना चाहते हैं, एमएससी एंट्रेंस का लाइव कोर्स, चाहे आप आईआईटी जैम कर रहे हो या आप सीयूटी पीजी कर रहे हो, तो आपको मिलेगा 3,999, यानी कि 4,000 रुपये में आपको मिलेगा। और आपको हमारा कोड इंडिया का यूज करना है। बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 20 अगस्त से, तो आज ही जाइए और इस तोहफे को अपने भाई और अपनी बहन को जरूर से दीजिए, ठीक है? आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। चलिए अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। ए लैटिस हैज द फॉलोइंग प्रिमिटिव वेक्टर्स, ठीक है? तो ये हमारे पास प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं, जैसे 4a हो गया, b हो गया, c हो गया। द रेसिप्रोकल लैटिस कॉरस्पॉन्डिंग टू द एबव लैटिस, ठीक है? तो अब हमको यहाँ पे क्या बताना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पर क्या बताना है, इसका रेसिप्रोकल लैटिस। तो अभी हमने पीछे देखा कि भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपके क्या हैं, ये हमारे जो आपके देखेंगे, अगर मैं इसके पीछे वाला क्वेश्चन दिखाऊं तो ये FCC है, और FCC का कॉरस्पॉन्डिंग जो रेसिप्रोकल मिलता है वो BCC मिलता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये FCC है ना, गिवन वेक्टर आपको FCC के हैं, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग BCC मिलेगा। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शंस तो आपके यहाँ से एलिमिनेट हो गए। अब बचा ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन हमारे पास बी होगा। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ये हमको चेक करना है। तो इसका आंसर कितना हो सकता है आपका, π/4 और π/4, ठीक है? तो यहाँ पे बोला गया है कि BCC विद क्यूबिक, तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि BCC बनेगा और π/4 इसका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है? फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ द बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस आर। तो यहां पर आपको ए बी सी, ये हमारे पास BCC के क्या दे रखे हैं आपको, लैटिस वेक्टर दे रखे हैं, और हमको इसके क्रॉस बाउंड्री रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर चाहिए। तो आपको पता है कि अगर मैं ए निकालूंगा तो ए की वैल्यू होगी 2π/a, ठीक है? और ये हो जाएगा आपके पास बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट, और ये होगा बी क्रॉस सी। और जब आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, जब आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो सबके सब कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। तो देखो ये हमारा नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शंस तो आपके नहीं हो सकते। केवल इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, है ना? चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ए बीम ऑफ एक्सरे इज इंसिडेंट ऑन अ BCC क्रिस्टल इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड द स्कैटर्ड वेव आपका, ये आपको दिया हुआ है HKL, वेयर एक्स कैप वाई कैप जेड कैप आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द एसोसिएटेड क्यूबिक लैटिस, तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर द स्कैटर्ड बीम टू गिवन इन लॉ मैक्सिमम। तो हमारा जो लॉ मैक्सिमम होता है वो मैं आपको बता दूं कि फॉर BCC, यहां पे लिख लेते हैं कि फॉर BCC क्रिस्टल्स के लिए द नेसेसरी कंडीशंस जो होती है वो लॉ मैक्सिमम की वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारे पास H+K+L, ये शुड बी इवन, ये हमारा इवन होना चाहिए। तो इसमें केवल एक ही कंडीशन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों? तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आपके लिए यहाँ पर आगे की भी लेके आते रहेंगे। जाने से पहले आपके लिए एक छोटी सी अपडेट है कि अगर आप हमारा फ्री कॉन्टेंट भी चाहते हो, है ना, तो वो आपको हमारी वेबसाइट्स और हमारे ऐप पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी विजिट कर सकते हो। तो आपको फ्री में क्या क्या मिल सकता है, एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपका एग्जाम्स का सिलेबस हो, एग्जाम्स पैटर्न हो, एग्जाम्स का कट ऑफ हो, या और भी चीज़ें। और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और पेपर एनालिसिस, ये सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट्स पे इजीली अवेलेबल है। तो जाइए और इसको ले लीजिए। और दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को यहाँ पे हैप्पी रक्षाबंधन। तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे किसी भी IIT जैम और CUT PG एग्जाम्स का अगर रिकॉर्डेड कोर्स लेते हो तो वो आपको मिलेगा 3,000 रुपये में, और अगर आप लाइव कोर्स लेते हो तो वो आपको मिलेगा
4,000 रुपये में। ठीक है दोस्तों, तो हैप्पी रक्षाबंधन, बाय बाय।